चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राइट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ और जा रहा हूँ गाँव। तो ये देख सकते हैं बस आ चुकी है और अब जाऊँगा कज़न की शादी में, तो दिखाऊँगा आपको कज़न की शादी में कितना मज़ा। तो गाइज अब आप देख सकते हैं भाई गाँव पहुँच गया हूँ मैं। तो ये कज़न का कमरा था, तभी तो फ़िलहाल इसकी हालत टाइट हुई है, वो है नहीं यहाँ पे। तो यार भूख लग रही थी, पहले सोचा मैंने कि पहले खाना खा लूँ फिर मैं व्लॉग बना लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं पहले मैं व्लॉग का एक शॉर्ट कट सीन कर लेता हूँ ताकि इनको पता लग जाए कि हाँ भाई हम गांव पहुँच गए हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, खैर खैरियत से अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए। तो जब पहुँच गए तो पहुँच गए। तो भाई अब जब खाना खा लूँ अपना, जो जो 6-7 घंटों से मैंने पेट में जो गुड़ गुड़ चूहे ढोड़ हैं वो चूहे ख़त्म हो जाए, मैं आपको अपने गांव की खूबसूरती दिखाऊंगा। जैसे ये है कि मैंने सुना है कि शहर से ज़्यादा गांव की प्योरिटी बहुत अच्छी है। तो भाई देखेंगे यार, अब रात हो गई है तो सोचा था आपको मैं गांव के नज़ारे दिखाऊँ, लेकिन रात होने की वजह से और खाना थोड़ी देर की बनने की वजह से मैंने खाना तो खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह का शुक्र है कि पेट मेरा फुला है। तो अब आपको मैं सुबह को आपको दिखाऊंगा कि यार गाँव में जो प्योरिटी है, तो गाँव का मज़ा है वो यार शहर में मज़ा नहीं आता। और कल मेहंदी है कज़न की, तो उसमें आपको शिरकत करके दिखाएंगे कि क्या मज़ा आता है। चलो तो गाइस सुबह हो गई है और मैं अभी उठा हूँ, हालत बड़ी टाइट हो गई है, बड़ा थका हुआ हूँ, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मैं अभी मामू के घर हूँ, इधर जितने भी लड़के कज़न हैं मतलब जितने भी मर्द हैं वो सारे इधर ही सोए हैं, बाकी औरतें खाला के घर सोई हैं। तो खैर अभी फ़िलहाल तो भाई कोई सीन वीन तो अभी नहीं बन रहा क्योंकि सारे ही कज़न सो रहे हैं। और मुझे रात को ऐसे मतलब हमें ऐसे रात को डरा देते कि भाई 6 बजे उठना है, नाश्ता करना है, क्योंकि इधर पराठे मिलते हैं 6 बजे, 5 बजे खुल जाती है दुकान, वरना नहीं मिलती भाई 8 बजे, कोई नहीं खाता ये वो। मुझे लगा शायद सच है कि मैं गाँव है ना इसलिए। देखा तो यार 8 बजे तो खुद अभी 8 बज रहे और मैं खुद 8 बजे उठूँ, देखा तो 8 बजे ही सो रहे हैं सारे। तो मेरी हालत टाइट हो गई यार, ये कैसे, ये तो बड़ा प्रैंक हो गया हमारे साथ। प्रैंक हो गया आपके साथ। खैर अभी तो मैं मामू के घर हूँ, अभी यार जहाँ मैं कज़न के साथ जाऊँगा या फिर मैं खुद ही चला जाऊँगा खाला के घर, क्योंकि मैं गाँव तकरीबन मुझे 3-4 साल हो गए हैं इधर आते बदलाव हो गया, लेकिन गलियाँ मुझे याद है अभी, किसकी गली किस साइड है घर पता है, हाँ वो चेंज हो जाता है क्योंकि टाइम हो जाता है। खैर अभी मैं खाला के घर जाऊँगा नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर मैं आपसे तफसील से बात करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि यार मैं मतलब कि नाश्ता मेरा भी हो गया अभी फाइनली। तो अब ये मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ, कल जो हमने बनाया था वो जो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं गांव पहुँच गया हूँ वगैरह वगैरह, वो उधर किया था। और अब मैं दूसरी छत पे आया हूँ, एक ही घर की है वो ऊपर घर है मतलब ऊपर कमरा है, ये वाली छत है। तो अभी क्या कर सकते हैं कि भाई कि आप देख सकते हैं कि गांव के घर जो एक गांव का प्योरिटी है, सिर्फ मैं प्योरिटी तो पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सारे घर हैं, ये देखें क्योंकि यार जब बंदा शहर में होता है तो गांव को भूल जाता है, और जो गांव की खालिसपन उसकी प्योरिटी उसके शशके अपने ही है यार, देखता है तो भाई भूल जाता है कि यार शहर भी जहाँ पे हम रहते हैं वो भी है।
कसम से यार, गांव में आता हूँ तो कराची को भूल जाता हूँ, जब कराची में जाता हूँ तो गांव को भूल जाता हूँ। चल झूठा। खैर फिलहाल तो गांव में आऊँ तो गांव के मजे ले रहा हूँ, फिर जब घर जाऊँगा कराची देखूंगा तब उसके मजे ले लूंगा। तो भाई मैं तैयार हो गया हूँ भैया, और शाम को भाई मेहंदी है तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक सीन यानी कि एक शॉट ब्लॉक का ये बना लूँ, फिर डायरेक्ट शाम को दिखाऊंगा कि भाई शाम को फिर मेहंदी है, तो मेहंदी का फंक्शन है तो वो भी आपको दिखाना है, और कल शादी, फिर पर तो वलीमा, टाइम लगता है। तो शाम को मेहंदी है तो अभी सिर्फ आप मुझे देख लो, शाम को फिर आपको मैं मेहंदी में मिलूँगा। तो गाइस अब देख सकते हैं मैं तैयार हो गया हूँ, और तकरीबन तैयारी इधर ही हो गई है, देख लो कालीन वालीन छप गए हैं, और ये दो सीटें इधर तकरीबन मेरे ख्याल से दूल्हा बैठेगा, ये हमारे दोस्त हैं कबीर भाई। एडे एडे इधर 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 शक्ल दिखाओ, ये भाग रहे। तो यार अब देख सकते हैं कि भाई ये इस साइड मेरे ख्याल से शायद औरतें ऐसी हैं, मैंने ये जगह चूज़ की। तो जब दूल्हा आएगा तो मैं थोड़ा सा सीन दिखाऊंगा, फिर हमारा व्लॉग यहाँ पे क्लियर होगा। आप देख सकते हैं कि भाई अब पूरी फिल्म जा रही है, मतलब पूरे कज़न वगैरह मामू वामू सब जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे जा रहे हैं भाई आगे। अंदर जाके मैं आपको दूल्हे से मिलाता हूँ। तो गाइस हम दूल्हे से आ गए मिलने, और ये हमारे आरिफ बलोच की आज मेहंदी है, कल शादी के शादी दूल्हे, यहीं पे मेहंदी खत्म होती है। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।